देश में करीब 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दी गई ढील के बीच संक्रमितों की संख्या 2.68 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में रोजाना करीब 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 सप्ताह के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 5 देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में घटित संक्रमण के मुकाबले भारत और ब्राजील में इसकी गति बहुत तेज रही है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की है, जहां 2 सप्ताह पहले ब्राजील से पीछे रहने के बाद इस सप्ताह नए संक्रमण की दर उससे भी आगे निकल गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना डाटा सेंटर के मुताबिक फिलहाल इस जानलेवा महामारी से वैश्विक स्तर पर 71,38,885 लोग पीड़ित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में अब भी अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 20 लाख से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। वहीं करीब 7 लाख मामलों के साथ ब्राजील दूसरे, जबकि करीब 5 लाख मामलों के साथ रूस तीसरे नंबर पर है। भारत फिलहाल 5वें नंबर पर चल रहा है, लेकिन उसके अगले 3 दिन में करीब 2.88 लाख मामलों के साथ 4थे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन को पछाड़ देने की संभावना है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2 सप्ताह पहले जहां भारत और ब्राजील के नए मामले मिलने की दर 5% से ज्यादा थी, वहीं अन्य 3 देशों में यह दर 2% के आसपास थी। 2 सप्ताह के दौरान भारत और ब्राजील में यह दर घटकर 5% से नीचे आई है, लेकिन अब भी 4% से ज्यादा गति के नए मामले मिल रहे हैं। इसके उलट अन्य 3 देशों में यह घटकर 2% से भी नीचे पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में तो संक्रमण के नए मामले मिलने की गति महज 0.6% ही बची है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।